एक छोटा सा और टॉपिक मैं बीच में लेना चाहती हूँ. जैसे कहते हैं टाइप्स ऑफ आइलैंड, हमारे वर्ल्ड में जो आइलैंड्स मिलते हैं उनको हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज द वॉल्केनिक, सेकंड इज कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स, थर्ड इज द कोरल आइलैंड्स एंड फोर्थ इज द सैंडबार आइलैंड्स. कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स कैसे बनते हैं? जनरली जो मेन लैंडमास होता है, बड़ा सा लैंडमास होता है, उससे अगर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से अगर कोई छोटा सा लैंडमास अलग हो जाता है राइट, तो उससे बनता है कॉन्टिनेंटल आइलैंड राइट. वॉल्केनिक आइलैंड हमें पता है, ओशनिक प्लेट के कन्वर्जन से वॉल्केनिक आइलैंड आग बनती है. हॉटस्पॉट एक्टिविटी से भी वॉल्केनिक आइलैंड आग बनती है. तो उस तरह से जो वॉल्केनिक आइलैंड बनते हैं उसे वॉल्केनिक आइलैंड कहते हैं. प्लस कुछ आइलैंड्स ऐसे होते हैं जिसके अराउंड कोरल रीफ्स जो है वो डेवलप होती है, उसमें सुपर इम्पोज हो जाती है, उस ऐसे आइलैंड को हम कोरल आइलैंड्स कहेंगे. फोर्थ टाइप के आइलैंड है सैंडबार आइलैंड्स. वो जनरली कोस्ट के नजदीक की सैंड के एक्यूमुलेशन की वजह से वो आइलैंड्स बनते हैं, उन्हें सैंडबार आइलैंड्स कहते हैं. इस तरह से होता है. सपोज ये यहाँ पे ये मडागास्कर आइलैंड है, अफ्रीका के मेनलैंड से प्लेट टेक्टोनिक रीजंस की वजह से ये अलग हुआ है और ये इस तरह का कॉन्टिनेंटल आइलैंड बना है. जनरली कॉन्टिनेंटल आइलैंड की साइज जो है और तीन आइलैंड के कंपैरिजन में बड़ी होती है. इनके पूरी रॉक कंपोजिशन, रॉकी एज, सब कुछ जो है इस लैंडमास से जो है सिमिलर होता है, क्योंकि वो उसी से अलग हुआ होता है. सेकेंड टाइप के आइलैंड जो होते हैं, मैंने बताया ओशन ओशन प्लेट के कोलिशन से डेवलप होता है, इवन हॉटस्पॉट एक्टिविटी से डेवलप होता है. थर्ड सैंडबार आइलैंड्स. कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोस्ट लाइन इस तरह के शेप की होती है कि वहां पे वेव एक्शन, यहाँ पे उसको रॉक्स को इरोड करते, यहाँ पे उसके जो सेडिमेंट्स जो यहाँ से इरोड हुआ था वहीं पे उसको जो है डिपोजिट करते रहते हैं इस तरह से. और अगर यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है शैलो है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये जो है पूरा एक्यूमुलेशन एक आइलैंड की तरह सरफेस पे आ जाएगा राइट. तो इस तरह के जो आइलैंड बनते हैं उसे सैंड बार आइलैंड्स कहते हैं राइट. कोरल आइलैंड्स, किसी आइलैंड के अराउंड इस तरह की कोरल रीफ जो है वो बन जाती है, सुपर इम्पोज हो जाती है, और इस तरह के आइलैंड को कोरल आइलैंड्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स, जापान, फिलीपाइंस, कुरील आइलैंड्स, जापान के नीचे सदर्न साइड पर है कुरील आइलैंड्स, अलुशिन आइलैंड्स, हमने हॉटस्पॉट जो पढ़ा था तब देखे थे अलुशिन आइलैंड्स नियर अलास्का, ये सारे आइलैंड्स आर वॉल्केनिक आइलैंड. श्रीलंका इज द कॉन्टिनेंटल आइलैंड, मडागास्कर, वैंकूवर इन कैनेडा इट इज ऑल्सो कॉन्टिनेंटल आइलैंड, बैफिन आइलैंड नॉर्दर्न कैनेडा में काफी बड़ा आइलैंड है, दिस ऑल आर कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स. जब आप एटलास में देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा इनकी साइज जो है इन सब से काफी बड़ी है राइट. कोरल आइलैंड्स, इंडिया का लक्षद्वीप कोरल आइलैंड है, उसके नीचे जो है मालदीव्स, इंडियन ओशन में नियर मडागास्कर, मॉरिशियस, बहामा, बर्मुडा, दे ऑल आर कोरल आइलैंड्स. आप नोट करेंगे कि ये सारे कोरल आइलैंड्स आर फेमस फॉर टूरिज्म राइट. सैंडबार आइलैंड का एग्जाम्पल है न्यूयॉर्क, ईस्टर्न यूएसए के साइड पे जो सैंडबार क्रिएट हुआ है उसके ऊपर न्यूयॉर्क सिटी लोकेटेड राइट, उसे लॉन्ग आइलैंड कहते हैं. दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइलैंड. जब कोरल रीफ्स की बात चली है तो इन कंटिन्यूएशन आई वॉन्ट टू टेक वट इज कॉल्ड कोरल रीफ. कोरल रीफ मरीन ऑर्गेनिज्म की सबसे ब्यूटीफुल ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मरीन इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि इट इज द इंडिकेटिव ऑफ हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम. अगर कोरल रीफ यहाँ पे हेल्थी वे में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है यहाँ की पूरी इकोसिस्टम जो है वो हेल्थी है. ये जो है जहां पे भी कोरल रीफ पाई जाती है वहां पे ग्रेट अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है. ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम जानते हैं कि कोरल रीफ एक्चुअल में क्या है. कोरल रीफ एक्चुअली एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, मस्क्यूलर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स जिसे पॉलिप्स कहते हैं. अब ये जो एनिमल्स होते हैं वो सी वाटर में जो कैल्शियम पाया जाता है उसको एक्सट्रैक्ट करके अपना कैल्शियम से स्केलेटन बनाते हैं, और वो इस तरह होते हैं कि ये फ्लोट नहीं करते, वो एक जनरेशन पे दूसरी जनरेशन बनाते हैं. यानी एक जनरेशन की स्केलेटन होती है वो मर जाती है, उसके ऊपर ही दूसरी जनरेशन स्केलेटन बनाती है, उसके ऊपर तीसरी जनरेशन, इस तरह से जो है कोरल ग्रो करती है राइट. अब ये जो कोरल रीफ्स है वो अपने फूड सोर्स के लिए एक और ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती है, और उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जूज एंथलाई. जूज एंथलाई एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है
जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, राइट। फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट और ऑक्सीजन से वो जो है फूड जो है क्रिएट कर सकता है। अब कोरल रीफ्स उसके जो स्केलेटन है उसके अंदर ये ज़ूज़ैंथलाई जो है वो रहती है, राइट। और वो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बॉटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि कोरल रीफ उसका स्केलेटन उस प्लांट को प्रोटेक्शन देता है और वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कोरल्स को जो है फूड प्रोवाइड करता है, राइट। तो इस तरह से दोनों ऑर्गेनिज्म सिम्बॉटिक रिलेशन में रहती है। इस पूरे कोरल रीफ्स को जिंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए कुछ कंडीशंस होती है और इसी कंडीशन में कोरल जो है सर्वाइव कर सकती है। सबसे पहले जो है उसको एक सबमरीन प्लेटफॉर्म चाहिए कोरल को, क्योंकि वो फ्लोट नहीं कर सकती, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर वो ग्रो कर सके एक जनरेशन पे दूसरी जनरेशन। इसलिए उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो प्लेटफॉर्म शैलो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो ज़ूज़ैंथला है उसे फोटोसिंथेसिस करना है, इसके लिए उसे सनलाइट चाहिए होगी, राइट। तो उसे फोटिक जोन में रहना पड़ेगा ताकि सनलाइट मिले और फूड प्रोड्यूस कर पाए। तो अराउंड 50 मीटर की डेप्थ पे अगर ये सबमरीन शैलो प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर एक कोरल रीफ जो है वो डेवलप होती है। उसके टेम्परेचर रेंज भी है अराउंड 25-27 डिग्री के बीच में ही कोरल रीफ जो है डेवलप होता है, इससे न ज्यादा इससे न कम, राइट। तो इसीलिए हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल रीजन में ही कोरल रीफ पाई जाती है, ना कि पोलर टेम्परेट रीजन में। उसे वार्म ट्रॉपिकल वाटर चाहिए, सैलिनिटी के लिए भी उसकी काफी नैरो रेंज है, अराउंड 33 पीपीटी उसको सैलिनिटी चाहिए, उससे अगर ज्यादा सैलिनिटी हो जाएगी तो कोरल विल बी डाई आउट। किसी रिवर के माउथ पे नहीं हो सकती, अगर किसी भी रिवर जो है समंदर पे कहीं पे मिल रही है तो उस रीजन में क्या होगा कि फ्रेश वाटर का इंटैक्ट होगा, और जितना फ्रेश वाटर ज्यादा होगा उसकी सैलिनिटी जो है कम हो जाएगी, और इसकी वजह से वहां पे कोरल रीफ जो है वो नहीं बन सकती। कोई स्टैग्नेंट वाटर भी नहीं होना चाहिए, एक सर्क्यूलेटिंग वाटर होना चाहिए जहां पे न्यूट्रिएंट जो है सर्क्यूलेट होते रहे। तो ऐसी ही कंडीशन में जो है कोरल ग्रो करती है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल्स वर्ल्ड में, यहाँ पे इस रीजन में इस तरह से कोरल्स जनरली पाई जाती है। यू कैन नोट इट इज अराउंड ट्रॉपिकल सीज ओनली। अगर ये सारी कंडीशंस अचानक से ब्रेक होती है, उसमें चेंजेस आते हैं, तो कोरल जो है मर जाते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर ये सारी जो कंडीशंस में चेंज आ रहा है तो कोरल विल बी फीलिंग स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस कंडीशन में कोरल जो है अपने अंदर की ज़ूज़ैंथलाई को एक्सपेल कर देती है। अब कोरल का जो ब्यूटीफुल कलर हमने फर्स्ट पिक्चर में देखा, रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर्स उसको उस प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करने वाला प्लांट था ज़ूज़ैंथलाई उसी से मिलती थी, उसे एक्सप्लेन करने के बाद उसका पूरा स्केलेटन बेयर स्केलेटन ही नजर आता है। और जैसे कि वो कलरफुल कोरल में से इस तरह की व्हाइट कोरल हो गई, उस इवेंट को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, यानी कि जब कोरल डाई आउट होती है उस इवेंट को हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। कैसे होती है कोरल ब्लीचिंग, कौन कौन से रीजंस हैं? ऑब्वियसली ह्यूमन इंड्यूस रीजंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ा है, मैंने पहले बताया कि बहुत ही नैरो रेंज के टेम्परेचर में कोरल सर्वाइव करती है अराउंड 25-27 डिग्री, उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोरल जो है स्ट्रेस फील करेगी। सेकेंड होता है ओशन ओजन डिप्लीशन, ओशन हॉल या ओजन डिप्लीशन होने की वजह से सन के जो इरेडिएशन है या यूवी रेज है डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आते हैं, सी में पहुंचते हैं, और वहां पे यूवी रेज की वजह से जो कोरल है उसको उनका जेनेटिक म्यूटेशन होता है वो मर जाती है। ओशन एसिडिफिकेशन यानी हमारे एटमोसफियर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जाती है, वो अमाउंट ज्यादा बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड ओशन वाटर के साथ केमिकल इंटरेक्शन करता है और वाटर जो है एसिड बन जाता है, तो उस एसिडिक वाटर से भी कोरल को हार्मफुल इफेक्ट्स होती है। अनदर थिंग इज अल्गल ब्लूम, हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में जो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है वो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स रिवर्स थ्रू जो है समुद्र में आते हैं, और ये जो फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एमोनिया नाइट्रेट एवरीथिंग, वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ओशन के न्यूट्रिएंट बैलेंस को जो है डिस्टर्ब करता है, राइट। क्योंकि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट जो है वो ओशन वाटर में आते हैं, और इसकी वजह से उस न्यूट्रिएंट की वजह से ओशन वाटर में जो अलगाई है वो अलगाई का बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और पूरे वाटर पे अलगाई जो है कवर कर लेती है, और इसकी वजह से नीचे रहते हुए ऑर्गेनिजम्स हैं कोरल्स हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उस रीजन की वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। सेडिमेंटेशन फ्रॉम द रिवर, डिफॉरेस्टेशन बढ़ गया है, डिफॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट किसी लैंड पर है
तो वो सॉइल इरोजन को कंट्रोल में करता है, उसके रूट्स जो है वो इरोड नहीं करने देते। बट डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारे रिवर, बहुत सारा सेडिमेंट जो है वो रिवर के साथ जो है समंदर में आता है, और इसकी वजह से जो ज्यादा अमाउंट का सेडिमेंट है वो जो कोरल रिव्स के जो पोर्स होते हैं उसको क्लॉक कर देता है, और इसकी वजह से कोरल जो मर जाते हैं। हम जो है सेडिमेंट्स के अलावा भी काफी सारे पॉल्यूटेंट्स को सी में जो है डंप करते हैं हमारी इंडस्ट्रीज से, सीवेज ट्रीटमेंट से, तो उसकी वजह से सारे जो केमिकल्स आते हैं उससे भी उसको इफेक्ट होता है, उसके कोरल के डिसीज भी होते हैं, राइट। ऑयल स्पिल होता है, यानी कि ऑयल जो है पूरे लेयर काफी किलोमीटर्स तक ऑयल जो है सी सरफेस को कवर कर लेता है, और इससे नीचे की जो ऑर्गेनिज्म है उनको सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो ये सारे रीजन की वजह से जो है कोरल ब्लीचिंग के इवेंट्स जो है हमारे वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। ये सारे जो डॉट्स, रेड डॉट्स दिख रहे, दे आर दी हाईली ब्लीचिंग के सबसे ज्यादा इंटेंसिटी के कोरल ब्लीचिंग इवेंट है। एवरी ईयर इस तरह के ब्लीचिंग इवेंट्स जो है वो बनते रहते हैं। दिस इज द इंडिकेशन कि यहाँ की मरीन इकोसिस्टम इज इन द डेंजर। हम कितना इफेक्ट कर रहे हैं पॉल्यूशन से मरीन इकोसिस्टम को। अब हम चलते हैं कि कोरल रीफ कैसे फॉर्म होती है, कोरल आइलैंड्स जो मैंने बताया वो कैसे बनते हैं। उसके फॉर्मेशन के तीन स्टेजेस होते हैं। कोरल रीफ अराउंड किसी आइलैंड के अराउंड भी बन सकती है, या किसी कोस्टल या कोई भी कॉन्टिनेंटल का कोस्टल मार्जिन है उसके बॉर्डरिंग रीजन पे भी बन सकती है। उसके तीन स्टेजेस होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटॉल। फ्रिंजिंग रीफ जनरली क्या होता है कि यहाँ पे सपोज एक आइलैंड है और इसकी जो हाइट है वो अराउंड जो ट्रॉपिकल रीजन में है, या आइलैंड ट्रॉपिकल वाटर है और सारी कंडीशंस कोरल की कंडीशंस जो है उसे मिलती है, तो यहाँ पे एक जनरेशन पे दूसरी जनरेशन होके कोरल इस तरह से ग्रो करना स्टार्ट करती है, और कोरल जो है वाटर सर्फेस तक यहाँ तक जो है ग्रो करती है। इसके वजह से बीच का जो आइलैंड है और उसके अराउंड एक पूरी कंटिन्यूएशन रिंग जैसी एक रीफ तैयार होती है जिसे फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोरल रीफ। सेकेंड स्टेज में यह होता है कि इस रीफ के बीच में या आइलैंड के बीच में अगर कोई गैप रह जाए, यानी रीफ अगर वर्टिकल इस तरह बन रही है, तो ये जो पानी का एक वाटर बॉडी बनती है उसे लगून कहते हैं। बैरियर रीफ में यह होता है कि ये जो कंटिन्यूस रिंग थी वो अब टूट जाती है, और यहाँ पे जो ओपन सी का जो वाटर है वो यहाँ पे एंटर हो सकता है, और इस स्टेज को हम बैरियर रीफ कहते हैं। बैरियर रीफ किसी लैंड के बॉर्डर पे भी डेवलप हो सकती है। अटॉल में यह होता है कि बीच का आइलैंड है वो सबमर्ज हो जाता है, और ऊपर की जो सिर्फ जो कोरल की रिंग थी, सिर्फ वो कोरल रिंग ही हमें विजिबल होती है, दिखाई देती है। इस स्टेज को अटॉल कहते हैं। इस तरह की फ्रिंजिंग रिंग पाई जाती है, बीच में आइलैंड है, एक कंटिन्यूस हम देख सकते हैं रिंग है कोरल की। अटॉल्स में ऐसा होता है, बीच का जो आइलैंड है वो सबमर्ज हो चुका है और सिर्फ ये कंटिन्यूड वाली हमें ये कोरल्स की रिंग्स दिखाई देती है। जो सेकेंड स्टेज था बैरियर रीफ, सबसे फेमस बैरियर रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के इस तरह बॉर्डर पे, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे कितनी बड़ी जो है बैरियर रीफ पाई जाती है, राइट, इट्स कॉल्ड द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ये हमने देखे किस तरह से कोरल रीफ बनती है, राइट, कोरल की सर्वाइवल कंडीशंस क्या है, कोरल ब्लीचिंग कैसे होती है, राइट। उसी से रिलेटेड मैं एक टॉपिक लेना चाहती हूँ, मरीन पॉल्यूशन। हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम जो इफेक्ट कर रहे हैं हमारे ओशंस को, इट इज वेरी डेंजरस टू ओशन बायोडाइवर्सिटी। हमें पता है कि हमारे कॉन्टिनेंट पे जो बायोडाइवर्सिटी है उससे कहीं ज्यादा अमाउंट या नंबर्स में बायोडाइवर्सिटी ओशन के अंदर है। हमारी जो एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, उससे कई सारे जो है स्पीसीज उनको हम अफेक्ट कर रहे हैं। शायद ऐसे स्पीसीज जिन्हें आज तक हमने देखा भी नहीं, हमें नाम भी नहीं दिया, ऐसे भी स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, राइट। और किसी भी नेचुरल हैबिटेट में उसका बायोडाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी होता है। बायोडाइवर्सिटी यानी क्या? बायोडाइवर्सिटी होना यानी कि किसी भी रीजन में बहुत सारे नंबर ऑफ स्पीसीज होना, और उन स्पीसीज की भी बहुत सारे नंबर में वो स्पीसीज का होना, और उन स्पीसीज की सब स्पीसीज, सिस्टर स्पीसीज भी होनी चाहिए, उनके भी बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए। ऐसी जो हैबिटेट में अगर बायोडाइवर्सिटी है तो वो हैबिटेट या वो इकोसिस्टम काफी रेजिलिएंट होती है, वो किसी भी नेचुरल हजार्ड को जो है रेजिस्ट कर पाती है, फिर से बाउंस बैक कर पाती है। हम अगर एग्जाम्पल है हमारे गिर लायंस का, तो गिर लायंस जो है
वो एशियाटिक पूरे एशिया में सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं। प्लस वो जो हमारे लायंस हैं वो काफ़ी नैरो जीनेटिक बेस से हैं, यानी उनमें कहीं भी अगर डिसीज हो गया, कोई नेचुरल हजार्ड हो गया, तो पूरी स्पीसीज जो है वो वाइप आउट हो जाए, राइट। इसीलिए कोई भी इकोसिस्टम में उसकी बायोडाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी होता है। हमारे पोल्यूशन की वजह से हम इन बायोडाइवर्सिटी को जो है अफेक्ट कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं। कैसे? फर्स्ट मैंने बताया ऑयल स्पिल। हमारे ऑयल टैंकर्स जब पास होते हैं उनमें से ऑयल लीकेज होता है, राइट। इवन ऑयल वेसल्स में भी लीकेज होता है, तो वो जो लीकेज होता है उससे पूरा ऑयल जो है वो सरफेस पर फ्लोट करता है, काफी दिनों तक वो फ्लोट करता रहता है, और उसकी वजह से नीचे रहने वाले ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और नजदीक के कोस्टल रीजन में उनकी डेड बॉडीज तरती हुई मिलती है, राइट। दूसरा जो है रेन रन ऑफ फ्रॉम लैंड, मैंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारा सेडिमेंट्स जो है हम ला रहे हैं ओशन के अंदर, उसमें से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स भी हैं, उसके कंटेंट है। फर्टिलाइजर्स की वजह से मैंने बताया अल्गल ब्लूम होता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है जरूरत नहीं, डिमांड से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट हम ओशन वाटर्स में जो है डंप कर रहे हैं, इसके लिए अल्गल ब्लूम होता है। उस पूरी इवेंट को या पूरी प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यानी कि ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन को देना। एटमोस्फेरिक इनपुट, मैंने कहा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी वजह से भी ओशनिक वाटर जो है एसिडिक होता है। बहुत सारे टैक्सिक केमिकल्स भी हम डंप कर रहे हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज होती है, कोस्टल इंडस्ट्रीज होती है, सुवेज ट्रीटमेंट से हम टॉक्सिसिटी जो है वो डंप कर रहे हैं। एक और इशू है जिसे बैलास्टिक वाटर इशू कहते हैं। बैलास्टिक वाटर एक्चुअली उसे कहते हैं, हमारे जब भी आप देखेंगे पोर्ट पे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट सी है, उनको लोडिंग और अनलोडिंग के लिए कुछ पानी जो उसके अंदर भरा जाता है, राइट। अगर कोई सी वेसल है उसको पहले हम खाली करते हैं तो वो जो है बैलेंस नहीं कर पाती, उसको अंदर कुछ पानी भरा जाता है, कुछ डेप्थ तक लाया जाता है, वो बैलेंस करती है, फिर उसके अंदर जो है जो भी बल्क या गुड्स जो है वो भरा जाता है। उसी तरह से जब अनलोडिंग होता है वो वाटर फिर से निकाला जाता है, भरा जाता है। तो इसी तरह से वो जो वाटर भरते हैं उसे बैलास्टिक वाटर कहते हैं। इससे क्या होता है कि सपोज इंडिया के किसी पोर्ट कंडला से बैलास्टिक वाटर भरा गया, न्यूयॉर्क में वो वाटर जो है डंप किया गया, फिर से न्यूयॉर्क में वो पानी भरा गया, हम यूके में उसको डंप करते हैं। इस पूरे सिस्टम से क्या होता है कि यहाँ पे जो कंडला में जो बैलास्टिक वाटर उस शी वेसल के अंदर जो भरा हमने, वह पानी के साथ वो ट्रॉपिकल रीजन की लिविंग ऑर्गेनिज्म, मरीन ऑर्गेनिज्म भी उस पानी के साथ न्यूयॉर्क में ट्रैवल करते हैं। और जब ये ट्रॉपिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूयॉर्क के टेम्परेट एनवायरमेंट में जाते हैं, तब दो चीजें होती हैं, या तो फिर वो उस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं, या दूसरी चीज ये होती है कि वहां पे उन स्पीसीज के नेचुरल प्रीडेटर के नहीं होने की वजह से उनकी बहुत ही ज्यादा तादाद बढ़ जाएगी, और उनकी तादाद बढ़ेगी यानी वहां की लोकल पॉपुलेशन की तादाद जो है कम होगी, उनके कॉस्ट पे वो बढ़ेंगे, यानी वहां की बायोडाइवर्सिटी को वो हार्मफुल इफेक्ट होगा, राइट। तो इस वजह से हम इस बैलास्टिक वाटर से भी अलग अलग रीजन के जो इकोसिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम अफेक्ट कर रहे हैं। एक और इश्यू है, रिसेंटली इज इन द न्यूज, इसे टार बॉल्स कहते हैं। ऑयल स्पील में जो ऑयल लीक होता है ओशन वाटर में, वो काफी टाइम रहने के बाद वहां ओशन वाटर के साथ केमिकली वो है कंपोजिशन होके एक बॉल जैसा बनता है, ग्रीसी स्टिकी बॉल, वो ऐसा फ्लोट करते हुए बीच के एरिया में जो है एक्यूमुलेट होता रहता है। ये जो बॉल्स होते हैं पेट्रोलियम से बने होते हैं, उसे टार बॉल्स कहते हैं। ये जो होते हैं पूरी बीच की पूरी जो ब्यूटी है उसको बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि ये जो बॉल्स होते हैं काफी स्टिकी होते हैं, काफी ग्रीसी होते हैं, इस बीच में हम चल नहीं पाते, और पूरे टाइम पे यहाँ पे पेट्रोलियम की स्मेल आती रहती है। तो जो भी बीचेस हैं, जो भी बीचेस टूरिज्म पे जिनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, उनके लिए बहुत बड़ा इश्यू है, राइट। इवन यहाँ पे अगर सी फेयरिंग जो वेसल्स है उनको भी पास होने के लिए, लोगों को पास होने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। ये ऐसा इंडिया के कोस्ट में पाया जाता है, फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरला टारबॉल्स उसके कोस्ट में पाए जाते हैं। इवन इन द नॉर्थ अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज में भी ये टारबॉल के इश्यूज जो है सामने आ रहे हैं। तो हमने आज देखे ओशन बॉटम रिलीफ, उसके अंदर टाइप्स देखे, फर्स्ट कॉन्टिनेंटल ओशन मार्जिन, उनके तीन टाइप्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप एंड राइस, एबिसल प्लेन देखा, मिड ओशन रिज मैंने बताया हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, टाइप्स ऑफ आइलैंड देखे, फॉर्मेशन ऑफ कोरल्स, कोरल ब्लीचिंग, कोरल सर्वाइवल कंडीशंस एंड मरीन पोल्यूशन।